नहीं वही भी हो गए जिले के वगैरह चलाते हैं। दो शब्द बताइए आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और श्रद्धांजलि सभा में, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, देव परिवार के लिए, जशपुर के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। व्यक्तिगत हमको लगता है कि हमारी क्षति हुई है, परिवार का एक सदस्य चला गया जिसके अंदर अभूतपूर्व संभावना थी, और दिलीप जी के मार्ग पे चलते हुए उसके उन्हीं राह कदमों को आगे बढ़ा रहे थे। आज इस आवश्यकता थी जशपुर को, छत्तीसगढ़ को, निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान हम सबको हुआ है, और सभी ने केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी आए हैं, सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे केंद्रीय प्रभारी भी उपस्थित हैं, नितिन नवीन जी बिहार के मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहित वरिष्ठ सभी लोग आ गए हैं। आप आए हैं जशपुर के, जशपुर की मामला था कि दिव्यांग आश्रमों में छात्रावास से हुआ था, काफ़ी दुखद घटना है, जशपुर में आदिवासी रहते हैं बच्चे, उनके साथ ऐसा हुआ है और कलेक्टर को यहाँ से तबादला कर दिया गया, लेकिन अब तक वो गए नहीं, तो कार्रवाई कलेक्टर का हटा देना कोई पनिशमेंट नहीं होता। इन विषयों में जिस प्रकार की स्थिति बनती जा रही है, पूरी तरीके से प्रशासन भी लापरवाह, सरकार भी बेजवाबदारी से काम कर रही है। इतनी बड़ी संख्या में पंडों के बच्चों का, उन लोगों का एनीमिया की वजह से असमय मृत्यु होना 40 की संख्या में, उसके बाद भी सरकार नहीं चलती है, और जो स्पष्टीकरण दे रहा है वो भी गलत है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी अब उन क्षेत्रों का सघन दौरा भी करेंगे। ये छत्तीसगढ़ सीएम के जगह भी चल रही है, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर काफ़ी गहमागहमी चल रही है, तो ये प्रदेश का विकास किस तरह से प्रभावित होगा इससे? गिरावट की पराकाष्ठा है कि सारे विधायक वहाँ बैठे हैं दिल्ली में और बोल रहे हैं अनुशासन की बात, और दिल्ली ने यदि कुछ आदेश किया है या केंद्रीय नेतृत्व ने कोई निर्णय लिया है उसके विरोध में 65 विधायक पहली बार दिल्ली गए जब मना किया गया था। फिर ये इस प्रकार का जो कुर्सी दौड़ है वो समाप्त होना चाहिए। सब स्पष्ट रूप से ये तय हो जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 2 महीने से कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये राहुल गांधी और सोनिया जी को तय करना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री है। प्रशासन पूरी तरीके से बैठा हुआ है, और यही कांग्रेस का चरित्र है जो हमने पंजाब में देखा, और उसी प्रकार विभाजन की स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रही है कि सत्ता के लिए किस प्रकार 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है कांग्रेस। ये 5 तारीख को